झारखंड में कुर्मी समाज का प्रदर्शन जारी। कुर्मी समाज को ST कैटेगरी में शामिल करने के लिए झारखंड में रेलवे ट्रैक जाम कर कुर्मी समाज के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। रेलवे प्रशासन के कई बार समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। जमशेदपुर में रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण टाटानगर से खुलने वाली स्टील एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, पुरी पुरुषोत्तम नई दिल्ली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस सहित एक दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। डाइवर्जन एवं ट्रेनों के रद्द होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, आदेश किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना तो किसी धार्मिक पहलू को छुआ गया है। राज्य भगवा शॉल, हिजाब आदि सबका सम्मान करता है। स्कूल का यूनिफॉर्म यहाँ यूनिफॉर्म में ही जाना है। राज्य सरकार ने कहा कि केवल कक्षा को छोड़कर हिजाब पहनने पर कभी भी रोक नहीं है। मामले में कुछ शिक्षकों ने भी पक्ष रखते हुए कहा कि स्कूल में किसी तरह की धार्मिक पहचान या हिजाब आदि का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी तरह का लगाव नहीं दिखना चाहिए, स्वतंत्र और अच्छा माहौल होना चाहिए जिसमें शिक्षक बच्चों के साथ अच्छे से बात कर सकें। गुरुवार को बहस पूरी होने की उम्मीद है। जस्टिस KM जोसेफ और हृदेश राय ने टीवी चैनलों की खिंचाई करते हुए कहा कि डिबेट के दौरान हेट स्पीच या भाषा में अभद्रता का इस्तेमाल न होने देना एंकर की जिम्मेदारी है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, अभद्र भाषा से समाज के ताने बाने में जहर फैल रहा है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी खिंचाई की। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को किया चैलेंज। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई का हर समाज हमारे साथ है, गुजराती भी, हिंदुओं में कोई छूट नहीं है। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा, हिम्मत है तो महीने भर में बीजेपी BMC का चुनाव कराकर दिखाए। कुर्सी जाने के बाद शिवसेना का उद्धव गुट नए सिरे से खुद को स्थापित करने में जुटा। इस कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार पर तल्ख तेवर में हमलावर हुए। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पर कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। मैं कहता हूं कि आने दीजिए अमित शाह को, आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड संपत्तियों का होगा सर्वे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 वर्ष पुराना आदेश, जो 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया था, रद्द करते हुए एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कर सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनर्परीक्षण करवाएगी। 7 अप्रैल 1989 के सरकार के आदेश में कहा गया था कि जो भी ऊसर भीटा और कृषि अयोग्य भूमि है, वह यदि मुसलमान धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पहुंचा। कॉमेडियन को आखिरी विदाई देने हास्य जगत के कई सितारे पहुंच चुके हैं। फैंस और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कानपुर से राजू के कई दोस्त दिल्ली आए हैं। यूपी के पर्यटन मंत्री भी शमशान घाट पहुंचे हैं। उत्तराखंड में जल बनाया जाएगा मत्स्य बोर्ड। मछली पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की योजना, सचिव मत्स्य की अध्यक्षता में तैयार किया जा रहा है बोर्ड का ढांचा। मजदूरी के लिए कैबिनेट में लाया जा रहा है प्रस्ताव। राज्य में लगभग 6000 मैट्रिक टन मछली का किया जाता है उत्पादन। प्रदेश भर में अभी तक 11000 से अधिक लोग मछली का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार ने आने वाले एक साल के भीतर मछली उत्पादन को 11000 मैट्रिक टन तक पहुँचाने का रखा है लक्ष्य। सरसंघ संचालक मोहन भगवत ने दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से की मुलाकात। RSS सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भेंट कर रहे हैं। NIIT
एनआईए कई राज्यों में पीएफआई के कार्यालय पर कर रही थी छापेमारी। राजस्थान के मोतीडूंगरी रोड स्थित पीएफआई के जयपुर कार्यालय में एनआईए की छापेमारी। एजेंसी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और असम सहित कई राज्यों में पीएफआई से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रही है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी में दो आतंकी गिरफ्तार। बाराबंकी से नवी को गिरफ्तार किया गया, जिसे पीएफआई का कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है। बहराइच जबरल से कमरुद्दीन उर्फ बब्बू को हिरासत में लिया गया। एटीएस और एनआईए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कर रही है छापेमारी। मौलाना हसनैन वकाई को दिल्ली पुलिस ने साथी के साथ किया गिरफ्तार। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के दिल्ली दफ्तर से हुई गिरफ्तारी। डिप्टी सीएम यूपी का ओएसडी बताकर जमाल सिद्दीकी वसूली के आरोपी में गिरफ्तार। जमाल सिद्दीकी का आरोप 1.5 करोड़ की वसूली करना चाहते थे मौलाना। दिल्ली पुलिस ने मौलाना को अदालत में पेश किया, 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली। माफिया मुख्तार अंसारी को 40 साल बाद मिली 7 साल की सजा। जेलर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने में हुई सजा। लखनऊ हाई कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। 2003 में मुख्तार जेल में बंद थे। जेलर द्वारा कमरे की तलाशी लेने पर दी थी जान से मारने की धमकी। प्रयागराज MP/MLA कोर्ट में 10 मुकदमे का चल रहा है ट्रायल। पंजाब के राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने की नहीं दी अनुमति। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाने की थी मांग, परंतु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की नहीं दी अनुमति। यह सत्र इसलिए बुलाया जाना था ताकि मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुमत साबित कर सके। बहुमत इसलिए साबित करना था क्योंकि आम आदमी पार्टी का था आरोप कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल के इस फैसले की निंदा की है। गोरखपुर शहर के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर के उत्तरी द्वार पर निर्माणाधीन पार्टिकों का छज्जा भरभराकर गिर गया। इसके नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद 1 मजदूर को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात जब तक दूसरे मजदूर को निकाला जा सका, उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। डीएम कृष्णा करुणेश ने नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। यूएन की स्थायी सदस्यता भारत को न मिल पाना। न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में नहीं बैठना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, यूएन के लिए भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए। बाइडेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु से विश्व में शोक की लहर उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके चलते क्वीन को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व के 200 से भी ज्यादा राजनेता ब्रिटेन पहुंचे थे। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन गई थी और उन्होंने नम आंखों से किया महारानी को नमन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से मुर्मू के पहुंचने पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने पूर्णतः आभार व्यक्त किया। ईरान में उग्र प्रदर्शन, हालत बेकाबू। ईरान में मॉरलिटी पुलिस द्वारा हिजाब को लेकर हिरासत में ली गई छात्रा की मौत के 6 दिन बाद भी देश में हालात बेकाबू। राजधानी तेहरान और कई ईरानी शहरों में प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों और वाहनों को जलाने की खबरें आ रही हैं। 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश में कई पुलिस थानों में आग लगा दी है। इमरान खान ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की फिर से तारीफ की। उन्होंने वहां उपस्थित जनता से पूछा कि क्या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्रधानमंत्री के पास भी इतनी ही संपत्ति है।
इससे पहले भी इमरान खान भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति की कई बार तारीफ कर चुके हैं। देश छोड़कर भाग रहे हैं रूसी सैनिक। आरक्षित सैनिकों की तैनाती की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है, जिस कारण रूस के बाहर जा रही उड़ानों में बुकिंग तेजी से हो रही है। रूस से निकलने के लिए वन वे टिकट बुक करा रहे हैं, जिसके चलते कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति की तरफ से जारी चेतावनी के बाद रूस के नागरिकों को मार्शल लॉ का डर सता रहा है। लोगों को चिंता है कि ऐसा होने पर लड़ने की उम्र वाले पुरुषों को रूस छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर साध्वी रतंबरा ने दिया बयान। ब्रिटेन में हो रही सामुदायिक हिंसा पर साध्वी रतंबरा का आया बयान। साध्वी ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ लोगों को हिंदुत्व से डर लगता है। हिंदुत्व डर का नहीं, शांति का प्रतीक है। साध्वी ने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपरा पर गौरव करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन में प्रोटेस्ट के नाम पर पाकिस्तानी मूल के लोगों ने हिंदुओं के मंदिर और प्रॉपर्टी को निशाना बनाया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।